न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अजमेर के क्लाक टावर थाना क्षेत्र में स्थित मदार गेट पर बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे युवक को जब यातायात पुलिस कर्मी ने रोका तो पुलिस कर्मी को भारी पड़ गया। अजमेर के क्लाक टावर थाना क्षेत्र में स्थित मदार गेट पर एक अजीब वाक्य सामने आया जिसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे एक युवक को जब यातायात पुलिस कर्मी ने रोका तो गुस्से में आकर युवक ने उस यातायात पुलिस कर्मी से मारपीट शुरू कर दी। क्लाक टावर थाना पुलिस ने कॉन्स्टेबल की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कॉन्स्टेबल राजेश यादव पुत्र लेखा यादव ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने साथी कॉन्स्टेबल के साथ मदार गेट चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस पर बिना हेलमेट के एक शख्स आ रहा था जिसने अपना नाम ओम प्रकाश गुजर बताया। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने लगा और लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगा। कल दिनांक 4/6/2022 को हमारे थाने पर यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल राजेश अपने जाब्ते के साथ उपस्थित हुए एक और आकर के उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मैं मदार गेट पर ड्यूटी कर रहा था, वहाँ पर ओम प्रकाश पुत्र रतन गुजर निवासी डुमाडा ने हमारे साथ में हाथापाई की व मारपीट की, जिस पर थाने पर राजेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 173/22 धारा 332 353 में दर्ज किया गया। वह अनुसंधान जारी है। ये राजकार्य वाला पर हुआ ये मदार गेट भीम सिंह ये सही थाना क्लाक टावर अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी की साइट से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा ले जाने का मामला प्रकाश में आया। सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। नवीन मामले में अजमेर सिविल लाइन थाना क्षेत्र से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा ले जाने का मामला प्रकाश में आया। दिनांक 3/6/22 की घटना है। योगेंद्र कुमार पुत्र सेनाराम जाति जाट निवासी दादरा नागौर ने थाने पर रिपोर्ट दी कि जयपुर रोड पर जो अजमेर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है वहाँ पर यह ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी थी, उसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है, जिसके संबंध में रिपोर्ट दी है। मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसआई सोलाल के नाम अनुसंधान किया गया है जो तफ्तीश जारी है। क्या कहाँ करने वाला था? जादरा परबसर नागौर योगेंद्र कुमार। मेरा नाम चेतन सिंह है। एएसआई पुलिस थाना सिवलाइन अजमेर। माता की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली, जगह जगह स्वागत किया गया। देगर समाज चारोबारी पंचायत काली माता शोभा यात्रा डिगी बाजार से निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और काली अखाड़ा भी साथ में था। प्राचीन मेला जो कि आज 5 जून को भरा जा रहा है, ये मेला पिछले कोरोना की वजह से 2 साल नहीं भर पाया, जिसकी वजह से आज इस कोरोना 2 साल बाद में
इस मेले में रेगर गांव में काफी उत्साह है और उमंग है और काली माता को हमारे कुल देवी के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये मेले में हमारी मान्यता है कि काली माता हमारी हर मनोकामना पूरे करे और घर में खुशहाली लाए, शांति लाए और समाज प्रगति की ओर रहे। इन आस पास उन मान्यता के साथ हम रहते हैं और काली माता को मानते हैं। ये सवारी प्राचीन मंदिर, डिक्की बाजार और से ओके कपड़ा बाजार, नाला बाजार, आगरा गेट, आगरा गेट से सीधी आईजी ऑफिस प्राचीन मंदिर पे समाप्त होगी। अरविंद धोलकेडिया, अध्यक्ष सर्व श्री रेखा चारों बड़े पंचायत। पर्यावरण दिवस के अवसर पर द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा पंचशील बिग बाजार के सामने राजीव गांधी सर्किल में छायादार वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के 15 पौधे लगवाए गए। दिवस के अवसर पर द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा पंचशील नगर बिग बाजार के सामने राजीव गांधी सर्किल में छायादार वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के 15 पौधों पंचशील में संस्था के द्वारा लगाए गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगवाए गए। साथ ही पंचशील नगर में निवास करने वाले नागरिकों के सभी पौधों के काम किया गया है। व्यक्त होने पर उनकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी काम में द स्मार्ट अजमेरियन के साथी सोना धनवानी जी, साथी गिरधर तेजवानी जी, साथी हरि कोडनानी पर्यावरण प्रेमी, साथी लक्ष्मण लखानी साहब, साथी रतन माथुर जी, साथी अविनाश, साथी मनीष, मैडम दीपा, भाई गिरीश आसनानी और भी तमाम साथियों ने इस पुण्य कार्य में सहयोग देने का काम किया। और हमें खुशी है इस बात की कि द स्मार्ट अजमेरियन संस्था ने गत वर्ष भी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गणेश कुवाड़ी पंचशील में 15 पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगाए थे और उसमें से 10 पेड़ आज भी जिंदा है और काफ़ी लोग इन पेड़ों की रक्षा करते हैं, पूरे वर्ष पर्यंत इनकी देखभाल करते हैं। और आज जो पेड़ लगाए गए हैं उसमें भी हमें सभी लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि पूरे वर्ष पर्यंत इन पेड़ों की देखभाल करेंगे। और जिस पेड़ की देखभाल 2 वर्ष के लिए हो गई तो हमें उम्मीद है कि ये पूरे 15 पेड़ आने वाले दिनों में इस उद्यान की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ पंचशील वासियों को एक हरियाली का माहौल देने का काम करेंगे। इसके लिए पंचशील वासी द स्मार्ट अजमेरियन संस्था का साधुवाद करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है। महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर कई योजनाओं के संदर्भ में एक सम्मेलन रखा गया। प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर पहुँचाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूरे होने पर कई योजनाओं के संदर्भ में एक सम्मेलन रखा गया। प्रधानमंत्री को जल जीवन मिशन को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए। जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार को 24,000 करोड़ रुपया कितना दिया, 24,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। खर्चा कितना किया, 4,000 करोड़ रुपया। ये हेमलता जी और संतोष जी ने बताया, मात्र 24,000 करोड़ रुपया स्थिति में इस सरकार को झकझोर करने का काम करना है। जहाँ कहीं भी हम मिले, जहाँ कहीं भी हम बात करें, किसी शादी समारोह स्थल पर जाएं, तो वहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपया दिया है और ये राजस्थान सरकार ने सिर्फ 4,000। तो ऐसे लपेटने का काम हमें करना चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, ये कहे कि हमारे कंधे पर है। प्रधानमंत्री 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा द्वारा आज महिलाओं से संबंधित जो मोदी जी ने काम किया है उसको लेकर के आज ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए गेम चेंजर होने का काम किया, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन हो और चाहे बालिका सुरक्षा के लिए समृद्धि योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस तरह से इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने किया है और आज आभार स्वरूप भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये संकल्प इस सम्मेलन में लिया जाएगा कि मोदी जी 2024 में पुनः चुनाव जीत के आ जाएं बहुमत से, ताकि महिलाओं के क्षेत्र में और आगे बढ़ा जा सका, महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके और महिलाएं इस देश की जो आधी आबादी है तो वो अभी आधी आबादी भी इस देश की उत्पादक क्षमता में अपना सहयोग कर सके। इस नाते से ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। वाटर पार्क
में 30 मई को नहाने के दौरान चोटिल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिल्ला वाटर पार्क में 30 मई को नहाने के दौरान चोटिल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आदर्श नगर थाने में बिल्ला सिटी वाटर पार्क प्रबंधन और अज्ञात युवक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया। पाली जिले के रायपुर मारवाड़ निवासी महबूब खान शेरू अपने परिवार के साथ 30 मई को अजमेर दरगाह घूमने के बाद पर्वतपुरा स्थित बिल्ला सिटी वाटर पार्क पहुंचे, जहां वाटर पार्क में पूल के नीचे खड़े थे। इसी दौरान स्लाइडर ऊपर से आया एक युवक महबूब से टकरा गया, जिसकी वजह से महबूब के पेट में चोट लगी, जिसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी आंत फटने की जानकारी देते हुए ऑपरेशन किया, लेकिन 3 दिन बाद युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने आदर्श नगर थाने में बिल्ला सिटी वाटर पार्क प्रबंधन और अज्ञात युवक की खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। मृतक महबूब खान शेरू के दोस्त विक्की ने बताया कि जिस वक्त शेरू पुल के नीचे खड़ा था उसी वक्त आप लोग और क्या घटना हुई थी शॉर्ट में बताइएगा। सर हम आए थे रायपुर से आए थे सर, हाँ, और अजमेर आए थे। दो फैमिली थी जिनकी डेथ हुई, उनकी पूरी फैमिली थी, बच्चे थे और एक और फ्रेंड है नरेश आहूजा, वो भी आया था अपनी फैमिली के साथ और उनके साथ मैं भी आया था। हम लगभग 9-10 जने थे। तो हम बिल्ला सिटी वाटर पार्क आए थे घूमने के लिए, तो उसमें सर लगभग 5:30 बजे के करीब वो पुल के नीचे खड़े थे, महबूब खान खड़े थे। तो ऊपर से एक व्यक्ति आया स्पीड से और उस स्लाइड से उनको चोट लगी पेट पे, स्लाइड से उनको पेट पे चोट लगी, जिससे उनको पेट नुकसान बहुत हुआ। आज क्या हो गया उनको? फिर आज 30 तारीख को ये हुआ था और आज 3 तारीख है, आज उनकी डेथ हुई। कहाँ पे भर्ती थे? वो JNL हॉस्पिटल भर्ती थे। अच्छा, मामले में अब किसकी शिकायत थी, किसके खिलाफ दे रहे हैं शिकायत? शिकायत सर वो बिल्ला वाटर पार्क के खिलाफ। और उस व्यक्ति की? व्यक्ति को तो अभी हम जानते भी नहीं, हम शिकायत तो देंगे। हाँ, शिकायत देंगे, लेकिन उसको अभी देखा भी नहीं हमने। अच्छा, पहचान नहीं उसको। क्या नाम है आपके भाई दोस्त? महबूब खान और शेरू खान। क्या करता था वो? टोल नाके पे एम्बुलेंस चलाते थे। कहाँ का रहने वाला है? रायपुर मारवाड़। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्की है। आप क्या लगता है? मैं उनका दोस्त हूँ। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपके यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।